शासन के निर्देश पर अब सोमवार से कोरोना नाइट कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील बढ़ा दी गई है। रात्रि 9 बजे से सुबह 7 बजे तक लगने वाला कर्फ्यू का समय अब रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान सोमवार को अम्बेडकर चौक, दाऊदपुर, सिविल लाइन रोड सहित अन्य चौराहों पर सन्नाटा देखने को मिला, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि सभी दुकानदार और आमजन रात्रि 10 बजे तक अपने घरों तक पहुँच जाएं। इसके बाद बेवजह घूमने वालों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी सोनम कुमार ने लोगों से अपील किया है कि कोरोना के संभावित तीसरे वेव को देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क पहने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने साथ अपने परिवार और समाज को भी सुरक्षित रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ये नाइट कर्फ्यू जो 9 बजे से लागू होता था अब से 10 बजे से लागू होगा, 10 से 6 तक। सभी जनता से यह अनुरोध है कि वो अपना कार्य समाप्त करके 10 बजे के पहले अपने घरों में पहुंच जाएं और 10 बजे के बाद सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, जैसे कि दवा वगैरह की दुकानें ही खुली रहें। उसके बाद अगर कोई बेवजह सड़क में घूमते मिलते हैं बिना किसी आवश्यक कार्य के, या ऐसी कोई दुकान मिलती है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जनता से ये अपील है कि कोरोना की तीसरी लहर की बात चल रही है, इसे हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि ये इसे लड़ने के लिए हम लोग अपनी तरफ से जितना भी संभव प्रयास है वो करें और बेवजह घर से बाहर ना निकले, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें और अपने आसपास में जितने भी लोग हैं उनको इसको लेकर जागरूक भी करें। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड आंशिक कर्फ्यू का पूरी सजगता के साथ पालन करना हमारा और आपका कर्तव्य है।